सर ये 12 नवंबर को दिवाली वाले दिन रात को लगभग 2 बजे हमारे जो साथी है राजवीर, उसकी ड्यूटी अम्बाड़ा बस स्टैंड पर थी और उसी दौरान असामाजिक तत्व 4-5 आए थे कार लेकर। उनके साथ कोई कहासुनी हुई, उन्होंने गाड़ी गेट पर खड़ी की। उन्होंने कहा कि गाड़ी साइड में लगा लो थोड़ी, क्योंकि आज ट्रैफिक ज़्यादा है। तो उन्होंने मतलब उनके साथ बहसबाजी करके और डंडों से उन पर प्रहार किया और उनके मतलब उनकी हत्या कर दी। उसी के विरोध में सरकार अभी तक कोई एक्शन नहीं ली और ना ही अभी तक हमारा साथी का दाह संस्कार हुआ। वो अम्बाड़ा कैंट के बस स्टैंड के अंदर ही सब अभी तक वहीं पड़ा है और सरकार के साथ वार्तालाप, प्रशासन के साथ वार्तालाप हुई अम्बाड़ा के, और उनमें कोई वो बात सिरे नहीं चढ़ी, विफल रही बात। क्योंकि हमारी मांग यही है साझा मोर्चा की कि एक राजवीर के लड़के को नौकरी दी जाए और 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसी के विरोध में साझा मोर्चा राज्य कमेटी के आह्वान पर ये आज पूरे हरियाणा सभी डिपो में चक्का जाम है और आगामी आदेशों तक यही चक्का जाम रहेगा। राजवीर कहाँ का है सर, कौन से एरिया का रहने वाला? ये सोनीपत साइड का है जी, सोनीपत के नज़दीक गाँव है और ड्यूटी उसकी अम्बाड़ा बस स्टैंड में। चक्का जाम में क्या कोई रोडवेज बस नहीं चलेगी, कहीं भी चलेगी रोडवेज बस? बिल्कुल बिल्कुल, चक्का जाम कोई भी पूर्ण रूप से सभी डिपो पूर्ण बंद है, सरकारी बसें? हाँ सरकारी बसें। आज 12 बजे तक बंद रहेंगी या आगे? ना आज वैसे शाम तक है, शाम को आगामी आंदोलन तक ये बंद रहेगी और आज शाम को 5 बजे मीटिंग के लिए बुला रखा है। सरकार ये नहीं सोच रही कि अभी तक उसका संस्कार नहीं हुआ है, बस स्टैंड में उसकी बॉडी पड़ी है और शाम का टाइम दे रखा है, क्यों दिन में क्या काम क्या क्या इधर क्या कोई जरूरी नहीं समझती सरकार। तो सरकार का रवैया देखते हुए वो ठीक नहीं लग रहा। मैं बिट्टू सिंह नाम है मेरा, सरसा डिपो से ड्राइवर हूँ मैं। जो आज हमारे ये गाड़ियाँ बंद की है, ये हमारे जो ड्राइवर भाई थे राजवीर, जिसकी निर्मल हत्या कर दी गई दिवाली के दिन नाइट में, तो सरकार ने या किसी भी विभाग ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। तो ये कार्रवाई करने के लिए ये आज हमने रोडवेज का संचालन बंद किया है ताकि हमारे ड्राइवर भाई को न्याय मिल सके और उसके परिवार को भी। अगर मांग पूरी नहीं होती, न्याय नहीं मिलता, फर्दर लॉन्ग टाइम? हाँ लॉन्ग टाइम चलेगी तब तक। बहुत ही निंदनीय है ये घटना है जो ड्राइवर साथी की वहाँ जो हत्या हुई है अम्बाड़ा के अंदर राजवीर की। विशेष बात यह है कि सरकार की कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की वजह से इसमें देरी हो रही है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और साथ ही साथ मांग करते हैं कि वहाँ पर जो भी जिस प्रकार की डिमांड अम्बाड़ा के साथी कर रहे हैं वो पूरे हरियाणा की डिमांड है। इसको लेकर के सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अपना किसी प्रकार का फैसला लेकर के और राजवीर की हत्यारों की गिरफ्तारी करते हुए जो रात जिस प्रकार की भी मांगें की जा रही हैं उनको पूरा करके जो है इसका निवारण करें ताकि जनता को परेशानी ना हो और साथ ही साथ कर्मचारी अपना कर्तव्य जो है प्रदेश के प्रति अपना निवास के। लेकिन इन गुंडा तत्वों को जो बढ़ोतरी दे रही है, मैं इसमें मानता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। हम इसकी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो।